अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल चाल है? खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? महसूस हो रहे हैं T20 वर्ल्ड कप से जीत का जोश, ट्रांसमिशन से 2-3 दिन का गैप आया था जिसको मैंने बहुत मिस किया, बट अल्टीमेटली हम आपके साथ मौजूद हैं। जनाब एहसन इकबाल मेरा नाम है, मेरे साथ मौजूद होते हैं साकिब रजा, तन्हा इनाम, पूरी जीत का जोश की टीम हमारे साथ मौजूद होती है। गाने सुनते हैं, शायरी होती है, आपको तमाम लोगों को मालूम है, जो नए सुनने वाले हैं उनको बताता चलूँ कि इस ट्रांसमिशन में हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए लोग मौजूद होते हैं, बजरिए कॉल्स हमारे साथ लोग मौजूद होते हैं 0330860072, facebook.com/naisabainstitute के थ्रू भी लोग हमारे साथ मौजूद रहते हैं। आप तमाम लोग हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस ट्रांसमिशन को, जो गुजरी ट्रांसमिशन हैं, उनको भी देख सकते हैं और लुत्फानंदोज हो सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट और facebook.com/naisabainstitute और हमारे इसी तरीके से इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर भी। राइट जनाब, पाकिस्तान बहुत मायूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा वेवर्ड परफॉर्मेंस के साथ हम जा रहे हैं और अब तकरीबन ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर है। यानी अब अगर हम आयरलैंड कनाडा से भी जीतते हैं तो अव्वल तो वो जीत हमें मंजूर नहीं होगी, सीधी बात है, क्योंकि जब आप बड़े मैचेस नहीं जीत सकते तो फ़ायदा नहीं है आप किसी के खिलाफ। अब जो प्लेयर्स यहाँ परफॉर्म करके नहीं दे रहे थे, वहाँ वो 50+ इनिंग्स खेलें चाहे हंड्रेड्स करें, वो मेरे ख्याल से फैंस को शायद अब गवारा नहीं होगा। बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, पाकिस्तानियों ने बहुत दिल तोड़े हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टूर्नामेंट की तो बहुत ही शाजो नादिर मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। यानी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखें तो एक वाहिद परफेक्ट मैच मुझे देखने को मिला जिसको हम T20 क्रिकेट मैच कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 201 रन स्कोर किए, इंग्लैंड ने जो है वो 160+ स्कोर किया। यानी यहाँ एक नज़र आया कि T20 वर्ल्ड कप में मैचेस कैसे होने चाहिए और कैसे हो रहे हैं। अदरवाइज़ बाकी जितने मैचेस देखें, और सबसे ज़्यादा मज़ा आया मैच देखने का अफगानिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड। ओ माई गॉड, अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी और सिर्फ 75 रन्स पर पूरी न्यूजीलैंड की टीम आउट हो गई। और क्या बेहतरीन बैटिंग की है, रहमानुल्लाह गोरबाज ने एक बार फिर 80 रन स्कोर किए हैं। और इसके अलावा अफगानिस्तान की जो पूरी टीम को हम देखें तो 14 ओवर्स खेल गए और कोई विकेट नहीं दी, बहुत डिफेंसिव क्रिकेट खेली, लेकिन आखिरी के 6 ओवर्स में जब उनके पास विकेटें ही विकेटें थी तो उन्होंने हिटिंग स्टार्ट की और उसके बाद भी अच्छा टोटल बनाने में कामयाब हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें श्रीलंका और बांग्लादेश में, तो श्रीलंका भी अपना दूसरा मैच हार चुकी है। नदरलैंड और अफ्रीका की मैच की बात करें तो अफ्रीका को मुश्किल तो बहुत हुई लेकिन अल्टीमेटली अफ्रीका ने उस मैच को विन किया। साउथ अफ्रीका अपने ग्रुप में 2 मैचेस के साथ टॉप पर है, USA इधर टॉप पर थी, लेकिन अब इंडिया मेरे ख्याल से टॉप पर आ जाएगा क्योंकि इंडिया की 2 पॉइंट्स हो चुके हैं और इंडिया के लिए अगले 2 मैचेस भी आसान है। मज़ा आएगा USA और इंग्लैंड इंडिया का मैच देखने का, लेकिन मेरे ख्याल से USA और इंडिया का मैच पाकिस्तान और USA की तरह नहीं होगा क्योंकि इंडिया है 119 रन्स का टारगेट बोर्ड पे था, उसके बावजूद भी टीम पैनिक नहीं की गई। हालांकि अच्छी पार्टनरशिप पाकिस्तान को मिल गई थी, यानी एक वक्त पे 60+ स्कोर था और पाकिस्तान के पास विकेटें अच्छी खासी मौजूद थी, टाइम था, सब कुछ था, लेकिन मेरे ख्याल से दिल नहीं था। तो लिसनर्स आप बताएं आपको क्या लगता है पाकिस्तान इंडिया के मैच में। मीनवाइल मैं चलता हूँ साकिब रजा की जानिब। अस्सलाम वालेकुम साकिब रजा। वालेकुम अस्सलाम जनाब एहसन इकबाल, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया एक बार फिर जीत का जोश में और लिसनर्स से मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। एक बार फिर ट्रांसमिशन में हम आ गए हैं वापस जनाब। आई होप आप सब बिल्कुल खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगियों को जी रहे होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे ICC T20 वर्ल्ड कप को, और ज़ाहिर है इन्जॉय तो कर ही रहे होंगे। अब ये तो नहीं है ना कि पाकिस्तान हार गया तो अब ये तो नहीं कि आप क्रिकेट को ही छोड़ दें, ज़ाहिर है क्रिकेट का अपना एक मज़ा है, बाकी टीम्स भी खेल रही हैं, इसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, तो खैर है कोई नहीं, कोई नहीं, चलता रहता है, कुछ नहीं होता। पाकिस्तान अगर हार भी गया तो बाकी टीमों को सपोर्ट करें, इंशाल्लाह आपको क्रिकेट में मज़ा आएगा। बाकी अगर बात करें वैसे स्पेशली कल के मैच की, तो ज़ाहिर है ये चीज़ें होती रहती हैं। कल जो मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेज़ इंडिया, एहसन इकबाल, पाकिस्तान मुझे लगता है कि कल किस्मत भी साथ दे रही थी पाकिस्तान का, दिन भी था पाकिस्तान का, बस सिर्फ दिल नहीं था। जिस तरह आपने कहा दिल की बात है, क्योंकि ज़ाहिर है टॉस जीता पाकिस्तान ने, जो कि पाकिस्तान के हक में रहा, पाकिस्तान टॉस जीत गया, पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि भी अच्छा साबित हुआ उनके लिए,
120 रन ही 119 रन बना सकी भारत की टीम। 120 का टारगेट दिया भारत की टीम ने पाकिस्तान को, महदूद किया पाकिस्तान ने उनको 119 पर। लेकिन जब वापस आए, बैटिंग पे आए, तो भी शुरुआत अच्छी हुई थी। रिजवान और बाबर ने अच्छा आगाज़ दिया था, फिर बस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैच तकरीबन कह लेंगे 15वें ओवर में जाके मैच फंसा है ये। जब आखिरी 5-6 ओवर्स रह गए थे तो 5 ओवर्स में मैंने देखा था कि 37 रन चाहिए थे, अभी 6-7 विकटें उनके हाथ में थी। वहाँ से बस पता नहीं क्या हुआ कि बस प्रेशर ले लिया। मैं समझता हूँ कि पीछे जो उससे पहले विकेट गिरी थी मोहम्मद रिजवान की, वो बहुत बड़ा एक डरावना ख्वाब साबित हुआ उसके बाद एक मैच में वापसी करना, क्योंकि ज़ाहिर है रिजवान अच्छी तरह से खेल रहे थे, सेट हो चुके थे, और जब सेट हो जाता है बल्लेबाज तो फिर वो चारों तरफ मैदान के खेल रहा होता है। लेकिन एक गलत शॉट की वजह से मोहम्मद रिजवान भी आउट होकर चले गए, बीच मैदान में छोड़ गए, और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी न रही। जो भी आया, शादाब खान, इमाद वसीम या हमारे इफ्तखार चाचू, किसी ने भी जो है टीम को सहारा नहीं दिया। तो ये है कि इस पर बात करते रहेंगे जनाब एहसन इकबाल। बाकी क्या कहते हैं ICC T20 वर्ल्ड कप में, अब पाकिस्तान का जो सफ़र है वो क्या ख़त्म हो गया है या अभी भी चांसेस हैं, इस पर भी बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? क्योंकि ज़ाहिर है यार, हमने भी ट्रांसमिशन सजाई है, नई सुबह ने इतना एहतमाम किया है, अब पाकिस्तान की टीम को हम सपोर्ट करने के लिए तो बैठे थे यहाँ पर, और पाकिस्तानी टीम ही आगे ना क्वालिफाई करे, सुपर 8 में ना जाए, तो हमारा ट्रांसमिशन करने का दिल करेगा क्या? यानी आप सीधी बात ये कह रहे जा रहे हैं कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी अगर पाकिस्तानी टीम ना सिर्फ हमारी, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स इस वक्त ट्रांसमिशन चला रहे हैं, तो उन सबको भी बड़ा धचका पहुंचा होगा। पाकिस्तान जाहिर है मैच आ रहा है, मतलब ना सिर्फ मैच आ रहा है बल्कि वर्ल्ड कप से ही निकल गया ना अब तो। यार सही बात है, कहा जाता है क्रिकेट इज़ इन आर ब्लड, और क्रिकेट जो हमारे खून में शामिल है, हमारी रूह में शामिल है, तो क्रिकेट में अगर हम परफॉर्म अच्छा ना करें तो हम हर्ट होते हैं। और डेफिनेटली जब पाकिस्तान पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि हमें कंफर्म होता है कि हम सेमीफाइनल तो पहुंचेंगे, उसके बाद टीम को सीरियस लेंगे, अच्छा करना क्या नहीं, क्या नहीं करना। USA से हम मैच हार रहे हैं, मुझे तब भी यही था कि यार हम एक ना एक छोटी टीम से ज़रूर हारते हैं, कभी आयरलैंड से हार जाते हैं, कभी किससे हार जाते हैं, चलो खैर है हार गए, लेकिन ये तो नहीं होता ना। आगे 119 रन, 120 का टारगेट है आपको, 120 बॉल्स पे 120 रन बनाने, 10 विकेट आपके हाथ में, स्टार्ट आपको अच्छा मिल गया है, उसके बाद फिर आप ये सब कर दें और 4 विकेट आप बचा के जा रहे हैं, यानी किस नीयत से बचा के जा रहे हैं? वो 4 विकेट आपने किस खजाने में जमा करानी है ये समझ नहीं आई मुझे। कि ठीक है आप स्ट्राइक रेट पे फोकस नहीं करें, पिच नहीं थी स्ट्राइक रेट की, मैं मानता हूँ, लेकिन ये क्या 4 विकेट आपने बचा ली, ओवर्स आपके ख़त्म हो रहे हैं, अब इमाद वसीम, इफ्तखार अहमद इस क्रीज पर मौजूद हैं, उन्हें अभी भी पार्टनरशिप की पड़ी है, पता नहीं क्या समझ नहीं आ रही मुझे कि भाई आप दोनों मौजूद हो, हार्ड हिटर्स हो, मैच फिनिशर्स के नाम से आप मशहूर हो, आपको टाइटल्स मिलते हैं, तो कब परफॉर्म करना है? मतलब 3 ओवर्स रह गए, आपको पता है आगे बुमराह का ओवर आ रहा है, आगे जो है वो जो सिंह है, मुझे उसका नाम अश्वित सिंह का ओवर आ रहा है, आपने क्या उन ओवर्स में हिटिंग करनी है? आपसे अच्छे तो फिर नसीम शाह साहब रह गए, एंड में आए 2 चौके मार गए। बिल्कुल जनाब ऐसा ही है, नसीम शाह जब वापस आ रहे थे, जब मैच हार दिया था पाकिस्तान ने, तो नसीम शाह को रोते हुए देखा, और जब रोते हुए देखा तो हमारी आंखों से भी आंसू जारी हो गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है हम इतना पाकिस्तान को चाहते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान का झंडा लेकर हमारी टीम मैदान में उतरती है। अब इतने लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे, USA में, न्यूयॉर्क में, वहाँ पर अगर पाकिस्तान जीतता तो ज़ाहिर है अब कुछ लोग कहते हैं कि इससे मतलब पाकिस्तान और वतन को, और यानी क्रिकेट को अलग अलग रखे हैं। यार ऐसे तो नहीं हो सकता ना, वतन की बात है, मतलब वतन ही रिप्रेजेंट हो रहा है ना एक तरह से, वतन के प्लेयर्स हैं, वतन के खिलाड़ी हैं, वतन के ही लोग हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ, तो इससे यकीनन फिर जज्बात आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जब जज्बात आपके साथ हो जाए ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सम टाइम अपने आप को कंट्रोल करना, क्योंकि ज़ाहिर है हम सब ने उम्मीदें, वैसे तो मैं अगर अपना बताऊं तो मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सपोर्ट तो करता हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाता, जैसे कि कल भी मैंने उम्मीदें नहीं लगाई थी, मुझे था कि पाकिस्तान हार जाएगा, कोई नया नहीं होगा, वही पाकिस्तान अपना तसलसल बरकरार रखेगा, जो हारने का उनका सिलसिला है वही होगा,
लेकिन जब पहले बॉलिंग की पाकिस्तान ने जब टॉस जीता तो थोड़ी खुशी हुई कि लगा कि भाई कुछ लग रहा है कि आज पाकिस्तान के हाथ में चीज़ें आ रही हैं जब टॉस जीता तो। जब टॉस जीता पहले बॉलिंग की तो बॉलिंग भी अच्छी गई, पाकिस्तान के हक में रही, तो एक उम्मीदें फिर से बन गई ना कि भाई पाकिस्तान के हाथ में आ गया है मैच, पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में है। जब पोजीशन में आ गया हम सब ने सेलिब्रेशंस की तैयारियां कर ली, हम सब ने, मैंने कल लिटरली ये सोचा कि जब कल ट्रांसमिशन हम कर रहे होंगे, अपना तबसरा दे रहे होंगे, तो इसको हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे, हम मिली नगमे शामिल कर रहे होंगे, क्या हल्ला गुल्ला होगा, तफरी होगी, मस्ती मजाक होगा। लेकिन किसको क्या मालूम था कि अगले ही चंद मिनट्स में जो है ना खेल ही ख़त्म होने वाला है, जो पाकिस्तान के हक में मैच चल रहा था वो एकदम पलट जाएगा और भारत के भारत की प्लेट में चला जाएगा। पाकिस्तान की प्लेट में मैच आया हुआ था, पाकिस्तान ने उसको बस उठाया नहीं, वो भारत ले गया। तो ये सिलसिला है जनाब, दिल बहुत मायूस है, दिल बहुत अफसरदा है, दिल बहुत गिरफ्तार है। तो क्या करें, हम ना सिर्फ हमारे बल्कि ज़ाहिर है करोड़ों करोड़ों क्रिकेट फैंस के दिल इस वक्त गिरफ्तार हैं। तो आइए जनाब गाना सुन के थोड़ा सा अपने आप को तसल्ली देते हैं, यही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो, लगाए रखिए जीत का जोश। और नई सुबह वेब रेडियो आपके लिए हर पल आपके साथ है, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान तो हार गया है लेकिन हम आपके साथ हैं। कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, खैर है चलता रहता है, कोई बात नहीं। पाकिस्तान हार गया तो क्या हुआ, पाकिस्तान को एक और मौका मिलेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट, जब आईसीसी का इवेंट होगा या अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है जिसको पाकिस्तान होस्ट करेगा। बहुत सारी क्रिकेट अभी बाकी है, तो परेशान होने की, मायूस होने की, अफसरदा होने की कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान बैक करेगा। एहसन इकबाल हमारे साथ, कॉलर्स भी अब मौजूद होंगे इस सेगमेंट में, तो हमारा नंबर भी हम बता ही देते हैं, अगर कोई हमारे साथ आना चाहता है, कल के मैच पर बात करना चाहता है, तो हमारा नंबर है 0330860072, जिस पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपना तज्जिया तबसरा दे सकते हैं मैच के ऊपर, कल के मैच के ऊपर आपके क्या ख्याल हैं, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, बाबर आजम से गलतियाँ हुई या बाकी प्लेयर्स ने कुछ कमी छोड़ दी, इस सब पे आप हमसे बात कर सकते हैं। हमने जिस तरह नंबर बताया एक बार फिर दोहरा देता हूँ, 0330860072, जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है ये सर्विस सेंटर का। बाकी भी अगर आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहें तो facebook.com/naisubahinstitute हमारा फेसबुक पेज है। तो जनाब इस वक्त बिल्कुल जनाब हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, आइए देखते हैं कौन कहां से हमारे साथ हैं और किस, यानी जो कल मैच हुआ है उस पर बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी दोबारा कहिएगा, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन हमारे साथ मौजूद हैं? मोहम्मद अली। वाह मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली कैसा लगा आपको कल का मैच? बैटिंग में बिल्कुल मजा नहीं आया, बॉलिंग में मजा आया। बॉलिंग में कैसे मजा आया? बॉलिंग में मतलब हां दूसरे या तीसरे ओवर में विकेट तो आ ही रही थी और विकेट देखने का जो मजा था ना वो बस हम जानते हैं पाकिस्तानी बाकी इंडियन के जो फैंस थे उनके सारे मुंह उतरे हुए देखने का। क्या बात है भाई, बहुत मजा आ रहा था। क्या लगा जब 119 रन का टारगेट था तो आपको लगा बहुत आसानी से ये तो बाबर आजम रिजवान अकेले बना लेंगे? तो क्या कहेंगे अब, किसको हटाएं, किसको कप्तान बनाएं, क्या करें क्या नहीं करें, आपको क्या लगता है किसकी गलती है? तो इनको तो मतलब ये तो लेना ही था, बाकी उन्होंने बॉलिंग पे देखे और
अच्छा अली, आपको लगता है कि ऑलराउंडर्स की जो लिस्ट है हमारे पास, जैसे शादाब खान है, इमाद वसीम है, नसीम शाह भी बैटिंग कर लेते हैं, इफ्तिखार भी ऑलराउंडर्स में आते हैं, तो क्या इतने सारे ऑलराउंडर्स का होना पाकिस्तानी टीम में ठीक है, या फिर प्रॉपर मुस्तनद बैट्समैन होने चाहिए हमारे पास, जिस तरह जैसे हम देखते हैं कि सातवें नंबर तक सिर्फ बैटिंग करने वाले प्लेयर्स होते हैं, उसमें ऑलराउंडर्स नहीं होते, आठवें नंबर से फिर ऑलराउंडर्स शुरू होते हैं, लेकिन हमारे पास चौथे नंबर से ही ऑलराउंडर्स की लिस्ट शुरू हो जाती है, इस पर क्या कहेंगे अली? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, जैसे अब शादाब खान है वो एज बॉलर आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बॉलिंग को भूल के बैटिंग की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, तो अब वो ना बैट्समैन रहे ना बॉलर रहे, बिल्कुल वो अब क्या कहें कि खत्म ही हो गए, तो ये चीज है ना। अली क्या लगता है, पाकिस्तान तो खैर मुश्किल ही है कि आगे जाए, लेकिन आपको क्या लगता है कि T20 वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला है इस बार? मुझे लगता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोबारा ही कर सकते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल देख रहे हैं आप? नहीं तो यूएसए से ज़्यादा अच्छा तो नहीं हो सकता ना हमारा नेट रन रेट, उन्होंने पहला मैच किस तरह जीता है 6 विकेटों से, दूसरा मैच तो पाकिस्तान को उन्होंने बता ही दिया है। हाँ बोलना भी नहीं है वैसा, हमारी ट्रांसमिशन बंद हो जाएगी जिस तरह पाकिस्तानी टीम का इस वक्त कबाड़ा बन गया है। इस एक जुमले में हमने बहुत कुछ बोल दिया अली। वाह वाह अली क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है अली का, बिल्कुल अली थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। फाइनल प्रेडिक्शन अभी भी आपको लगता है यानी पाकिस्तान आगे जा रहा है, प्रेडिक्शन बताइएगा। मुझे लगता है कि सेमीफाइनल के अंदर पाकिस्तान जा सकते हैं। क्या बात है, यानी हम उम्मीदें लगा सकते हैं अभी भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से, यानी अली में मजीद हौसला है अभी। आमीन आमीन, चलिए जी दुआएं बिल्कुल हमारे साथ, हमारी दुआएं टीम के साथ हैं, हमारी सपोर्ट की टीम के साथ है। अली बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आते जाते रहिएगा, अभी ट्रांसमिशन और वर्ल्ड कप दोनों जारी हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे साथ अली जो के बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अभी भी आगे जा सकता है और पाकिस्तान का चांस है, चांस तो है, लेकिन पाकिस्तान समझ रहा है, टीम समझ रही है इस चीज़ को कि उनके पास चांस है, अगर ऐसा है तो बिल्कुल अच्छी बात है भाई, लेकिन मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं साकिब दादा से पूछना चाहूँगा, साकिब आपको क्या लगता है? यानी अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम आगे जा रही है कि नहीं, यही पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपसे यही पूछ रहा हूँ यार, अब डिजर्व तो नहीं करता पाकिस्तान, पाकिस्तानी टीम डिजर्व नहीं करती यहाँ से आगे जाए, क्योंकि यूएसए से इतनी बदतरीन शिकस्त हुई, फिर इंडिया से आप जिस तरह हारे हैं बिल्कुल भी आप डिजर्व नहीं करते आगे जाएं, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट आप खेल रहे हैं, ये क्रिकेट आप नहीं खेल रहे, या आप क्रिकेट खेल रहे हैं आप,
यूएसए में जिस तरह आप अयाशियां कर रहे हैं, अमेरिका घूम रहे हैं, घूमते रहें, कोई बात नहीं, आपके पास पैसा आ गया है, आप पैसे को इस्तेमाल कीजिए अपने फैंस के साथ जो आपने एक तरह से ख़रीदे हैं, $25 में आपने ख़रीदे हैं, तो उनके साथ इंजॉय करें। इस बात को हम अप्रिशिएट तब करते जब आप मुफ्त में अगर अपने फैंस के साथ मिलते, लेकिन आपने उसकी भी जो है ना कीमत लगाई कि $25 दो फिर आके हमारे साथ पिक्चर्स लो। तो भाई जिन्होंने आपको इज्जत दी है, जिन्होंने आपको बाबर आजम बनाया, जिन्होंने आपको फ़खर जमान बनाया, जिन्होंने आपको मोहम्मद रिजवान बनाया, वही उनको ही आप इस तरह कर रहे हैं कि $25 दें और आप हमारे साथ पिक्चर लें, तो ये इस तरह से तो नहीं चलेगा ना जनाब। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तबाह हो गई है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जनाजा उठ गया है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का वैसे ही पानी लाया जाएगा। तो जनाब तला इनाम भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे भी पूछते हैं कि क्या जनाजा बढ़ा रहे हैं, जनाजा बढ़ाने आ गए आप मुफ्ती साहब? नहीं नहीं, अभी कुछ वक्त बाकी है, पहले तो तमाम लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ये पूछते हुए अजीब लग रहा है कल का मैच के बाद कि क्या हाल हैं आप लोगों के, उम्मीद है कि आपके हाल अच्छे होंगे। यहाँ मैं साकिब और अहसन को देख रहा हूँ और अभी हमने अली से भी बात की, उनको सुन के एहसास हो रहा है पाकिस्तानी कौम किस कर्ब से, किस दुख से गुजर रही है। लेकिन खैर साकिब, अभी वक्त है जनाजे में, अभी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर नहीं में आएगी तब जनाजा। जी बिल्कुल, तब मेरे ख्याल से। अच्छा एक वक्त वो भी था, याद है आप लोगों को जब टीम वापस आती थी तो अंडे और टमाटर लेकर एयरपोर्ट पे जो इंतज़ार किया जाता था। बिल्कुल, अब महंगाई बहुत हो गई है। अच्छा मुझे लगता है जिस तरह हमारे पास सियासतदान है, पता नहीं ये बोलना चाहिए नहीं चाहिए, हमारा मुल्क जिस तरह चलाया जा रहा है, हमारी क्रिकेट टीम का भी बिल्कुल वही हाल हो चुका है। एक टोला है, एक टीम है जो जिनके नाम है, देखो ना, दोस्ती यारियां चल रही हैं, मतलब यार दोस्ती यारों के साथ कोई मसला नहीं, दोस्ती यारी रखो लेकिन कौम की इज्जत का तो ख्याल रखो यार। अच्छा अमेरिका से हारे, मुझे लगा कि शायद ग्रीन कार्ड की कोई उम्मीद है, तो चलो खैर है। इंडिया से हारना यार साकिब, ऐसा लगता है कि वो मैच हारना, देखो तला अगर ऐसे हार जाते तो ठीक है, लेकिन आपके हाथ में मैच है, आपके पेट में मैच है। मेरी तो सुनो यार साकिब, मेरी सुनो, मैं भी बहुत दुखी हूँ। बेइज्जती होती है, सही है, बेइज्जती फील होती है, लेकिन एक जो जलालत होती है वो एक अलग होती है। मुझे ना इस ऐसे मौकों पर सिर्फ एक ही शेर याद आता है, हमारे पांव ही उल्टे थे, फकत चलने से क्या होता, बहुत आगे गए लेकिन बहुत पीछे निकला। तो हम सात समंदर पार तो चले गए, लेकिन हमें शायद यही पाकिस्तानी टीम को अपने खेलना सिखाना चाहिए था, या क्या अल्लाह जाने जो भी उनके मसले मसाइल थे उनको यहीं पर हल करना चाहिए था और फिर उसके बाद टीम को भेजना चाहिए था। कहाँ देख रहे हैं यार पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जाता हुआ, मतलब आप? अच्छा साकिब, आपको याद होगा आपने मुझसे पिछले मैच में शायद पूछा था जब अमेरिका से हार रहा था कि क्या लगता है पाकिस्तान इंडिया से जीतेगा, मैंने कहा था नहीं जीतेगा, आपने बोला कि यार इतने दिनों से मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही, लेकिन आपने आज ऐसे ही बोल दिया कि पाकिस्तान इंडिया से नहीं जीतेगा, तो इंडिया से जीतने की एक उम्मीद ना काफ़ी टाइम पहले हम छोड़ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं भी उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन कल उम्मीद बनाई है पाकिस्तान ने, एक बार फिर हमारे जज्बात के साथ खेला है। पाकिस्तान मैच में आ गया था, पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग करते हुए 119 रन पे महदूद किया टीम को, उसके बाद तो उम्मीदें फिर जुड़ गई ना पाकिस्तानी टीम के साथ। उम्मीद तोड़ा है, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। आज हमारे चप्पू भाई भी नहीं आए, वही थोड़ा जो है ना हमारे गम को। चप्पू भाई का मसला ये है कि कहा जाता है, यही कह रहे थे चप्पू भाई को, चप्पू भाई ना पाकिस्तानी टीम को खरीद लेती है, भाई सामने वाली टीम को खरीदना होता है। चप्पू भाई तो मजे से कल चले गए अमेरिका मैच एंजॉय करने, हमें यहाँ छोड़ गए, हम यहाँ गम में डूबे हुए हैं, तो क्या करें, दिले उम्मीद थोड़ा है किसी ने, बस यही गा सकते हैं। और इसी के साथ हम ब्रेक की तरफ जा सकते हैं, तो बस यही चलता रहेगा, हमारा ट्रांसमिशन चलती रहेगी, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफ़र चले ना चले हम चलेंगे, हम अपना काम करेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें मैच की, मेरे ख्याल से ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी नज़र आईं। 119 रन्स पाकिस्तान ने ऑल आउट किया इंडिया को, जो कि एक छोटी बात नहीं थी। मेरे ख्याल से आखिरी ओवर्स में जो कुछ रन्स बने हैं वही क्रूशल थे, और बार बार कमेंटेटर्स कह रहे थे जो पाकिस्तान बिल्कुल वो यूएसए के सुपर ओवर्स वाली हरकतें कर रहा है, ये हमें नुकसान देगा बाद में, और ऐसा ही हुआ। मैं समझता हूँ जो आखिरी के 7-8 रन्स रह गए थे वो इसी वजह से रह गए थे, जो हम लास्ट में बिला वजह फजूल की स्लो बॉल्स दे रहे हैं, और एक बाउंड्री लगी पाकिस्तान को, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रास के रन बने ओवर थ्रोज में,
तो ये चीज़ें पाकिस्तान को नुकसान देती हैं, लेकिन काश कि हम समझ जाएं। हम समझते तो नहीं है, मसला हमारा यही तो है, और यही हमारी अच्छी चीज़ भी है। जब हम समझते नहीं है तो कोई ना कोई फ़ायदा भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर नुकसान ही होता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो नसीम शाह ने बहुत अच्छा बॉलिंग स्पेल किया। इसके अलावा हारिस रऊफ का पहला ओवर जो कि 13 रन दे गया था, लेकिन उसके बाद फिर हारिस रऊफ ने कमबैक किया, 3 विकेट हासिल किए। मोहम्मद आमिर ने बहुत ही खूबसूरत स्पेल किया। मोहम्मद आमिर ने शायद पिच को जितनी अच्छे से रीड किया है पाकिस्तान की तरफ से किसी और ने इस तरीके से रीड नहीं किया। बहुत अच्छा साइन मुझे लगा कि शादाब खान ने बॉलिंग नहीं की। मुझे लगा था कि शादाब खान को अगर ओवर मिला तो पूरा मोमेंटम टूट जाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली शादाब खान को ओवर नहीं मिला। मे भी कुछ नया हो जाता, लेकिन बहुत कुछ नया हो चुका था ऑलरेडी। 119 रन इनफ थे कि किसी टीम को रोका जाए और उसके बाद फिर आप जो वो काउंटर पंच में उस टीम को शिकस्त दे दें, यानी चेज करते हुए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पाकिस्तान बहुत अच्छा जा रहा था और ऐसे ही लग रहा था कि 120 गेंदों में 120 रन बना ही लेंगे। यानी ये नहीं था कि हम जो है वो 12वें 13वें ओवर में जीतेंगे, लेकिन ये ज़रूर था कि हम 19वें ओवर में 20वें ओवर में ज़रूर मैच जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। पाकिस्तान ने 4 विकेटें बचा के न जाने कहां लेके जानी थी, इस वजह से पाकिस्तान ने हिटिंग नहीं की और विकेटें बचा के रखी। लास्ट में पाकिस्तान को जो है वो फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि हम शिकस्त से 2-4 हो गए। तलहा इनाम हमारे साथ मौजूद है। तलहा, यकीनन आपका दिल तो टूटा है, लेकिन अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की बात करें तो वहाँ भी एक अपसेट हमें देखने को मिला। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी, जिसे अपसेट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान की पहली फतह थी। क्या कहते हैं, दूसरी टीम्स भी दूसरी टीम्स को मार रही हैं? ऐसा दूसरी टीम्स खेल रही हैं और जीत रही हैं, दूसरी टीम दूसरी टीम को मार रही हैं, ये ना बोलो यार। अच्छा, मुझे लगता है पाकिस्तान टीम के साथ ना, पाकिस्तानी टीम के साथ ये मसला है, जैसे अगर हम किसी टीम के साथ सपोर्ट कर रहे हो, किसी टीम को हम देखते हैं कि यार अच्छा परफॉर्म करती है, तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि अगर 150 का टारगेट मिला है, 200 का टारगेट मिला है, 210 का मिला है, 200 से ऊपर टारगेट चला गया, तो हमारा तसव्वुर होता है किसी टीम के बारे में कि यार ये चेस करेगी, ये टीम टफ टाइम देगी, ये टारगेट कम्प्लीट कर लेगी। अब मुझे लगता है पाकिस्तानी टीम के साथ ना ये मामला हो गया है कि अगर 150 टारगेट है, 130, 120, 100 भी होता टारगेट, तो दूसरी टीम ने चैलेंज देती है कि यार तुम जीत के दिखाओ। पाकिस्तान कहते हैं नहीं, हमने हार के दिखाना है। क्या बात है यार, पहले मैच में थोड़ा सा दिल को एक होते हैं ना कि पहले जख्म लगता है, तो ऐसा लगता है नहीं यार गलती से हो गई होगी, गलती हो गई किसी से, लेकिन दूसरा वही जो हर बार एक लगता है वही लगा है। और इंडिया से मुझे नहीं लगता कि हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडिया से कभी जीत पाएगी यार, ऐसे कब देख पाएंगे हम पाकिस्तानी टीम को इंडिया से जीतते हुए दोबारा। अब तक अगर देखा जाए तो 8 बार ICC T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें सामने आई हैं, सिर्फ एक बार पता नहीं कैसे खुशकिस्मती वो 2021 में, वो इंडियन टीम की बदकिस्मती हो। अच्छा, हमारी खुशकिस्मती नहीं, इंडियन टीम की बदकिस्मती। वैसे ये सही कह रहे हैं आप, हमारी खुशकिस्मती नहीं थी, इंडियन टीम की बदकिस्मती थी कि वो 10 विकेटों से हमसे हार के चले गए थे। वो मेरे ख्याल से उस दिन चप्पू भाई ने जो है ना वो इंडिया की टीम को खरीद लिया, चप्पू भाई ने सही जगह पैसे लगाए थे उस दिन। हाँ, ऐसा मेरा ख्याल है कि यार पाकिस्तान जीत सकता था यार, पाकिस्तान के हाथ में जब चीज़ें आ गई थी तो पाकिस्तान, मुझे लगता है कि सिर्फ प्रेशर ले लिया पाकिस्तानी टीम ने, अदरवाइज मुझे तो लग रहा है कि आप ढूंढ रहे होगे कोई अच्छी कोई पॉजिटिव चीज निकाल लें, कोई थोड़ी सी उम्मीद निकाल लें। किसका प्रेशर था पाकिस्तानी टीम पे? टारगेट बहुत ज्यादा था, टारगेट बहुत ज्यादा नहीं था, बैट्समैन कम थे हमारे, मतलब प्रेशर ये था कि पाकिस्तान के जो हमारे प्लेयर्स हैं ना उनको बस होता है कि किसी तरह हार ना जाए यार, इंडिया से हार गए तो पता नहीं क्या होगा, वो मतलब खेलने के बाद ये प्रेशर, ये चीजें तो ग्राउंड में आप इन चीजों को ना फील करो ना यार, फंस गया हो तब ये प्रेशर समझ आता है यार। और एक इंटरनेशनल खेलने वाली टीम अगर इस प्रेशर को इतना ज्यादा फेस कर रही है तो फिर तो हो गया काम ना। आपके पास 30 गेंदे और 37 रन चाहिए यार, जरा सोचें, T20 वर्ल्ड कप मतलब T20 मैच है यार। साकिब, अभी अहसन ने मिसाल दी, अफगानिस्तान जैसी टीम न्यूजीलैंड से जीत गई है तो फिर आप क्या सोच सकते हैं? वैसे तो अगर देखा जाए यूं तो इंग्लैंड की टीम के भी लाले पड़े हुए हैं इस वक्त अपने ग्रुप में, इंग्लैंड का भी बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है कि वो सुपर एट में जाएं, तो ये बड़ी बड़ी टीम है इस बार। वैसे वाकई साकिब, ठीक है, बड़ी बड़ी टीम, वैसे पाकिस्तान को तो बड़ा बोला, नहीं पाकिस्तानी टीम को बड़ा नहीं कहना चाहिए यार, ये गलत हो गया, तो पाकिस्तानी मुझे लग रहा है उनमें शुमार होगा। लेकिन खैर, अभी उम्मीद तो थोड़ी बाकी है, 2 मैचेस बाकी है, पाकिस्तान इंशाल्लाह उसमें परफॉर्म करेगी। और मेरी ख्वाहिश, अब क्या फायदा है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ना, पाकिस्तान का ऐसा ही होता है जिस तरह हमारे मुल्क का होता है ना, डिफॉल्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं होता और पाकिस्तान चल पड़ता है, तो बस ये धक्का गाड़ी है, 2 मैचेस आगे इंशाल्लाह हम जीतेंगे और देखने ऐसी परफॉर्मेंस देंगे, ऐसा लगेगा जैसे बस सीखा हमने उन्हीं के लिए था।
बस जनाब क्या कर सकते हैं यार, अभी मैं चाहता हूँ एहसन इकबाल कोई 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 शायरी सुना दे यार, चप्पू भाई नहीं आया, वैसे ही गम इतना है, मैं चाह रहा हूँ शायरी के जरिए कुछ हम थोड़ा बहुत। चप्पू भाई तुम्हारे आंसू खरीद लेते साकिब, लेकिन चप्पू भाई नहीं आए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मेरे ख्याल से शायरी वायरी होती रहेगी, अभी फिलहाल बात कर रहे थे हम ज़रा गमों को जो है ना, वो क्या जख्मों को उखेड़ने का जो मज़ा है ना, वो उसी का ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और मैं अगर बात करूं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, इसमें जो प्रेशर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर मेरे ख्याल से क्राउड का बहुत प्रेशर आया जब रिजवान की विकेट गिरी है। ओ माय गॉड, जो स्टेडियम गूंजा है जैसे पता नहीं इंडिया ने कौन सा किला फतह, ऐसा लग रहा था कश्मीर फतह कर लिया इंडिया ने, लेकिन उसके तमाम उन जख्मों पे उन रगों पे हाथ रख रहे हो जो दुखती हैं। हाँ तो यही तो है ना, यही जब पता लग जाएगा, जब डायग्नोज होगी वो तमाम रगें जो जिनमें दर्द है, तभी तो इलाज होगा। कब होगा इलाज हसन, कब होगा यार? जब मुआलिज आएगा। मुआलिज कब आएगा हमारा? सब बातें मैं बता दूं, चलें इंतजार करते हैं कि हमारा मुआलिज कब आएगा। तो बस ये भी अच्छी चीज है, इंतजार करते हैं। लेकिन अच्छा अगर हम मैं बात करूँ कि पाकिस्तान की तरफ से इफ्तिखार अहमद और इमाद वसीम साकिब दोनों पाकिस्तान के फिनिशर्स हैं, 30 गेंदों में 37 रन चाहिए हैं, आपके पास विकेट्स मौजूद हैं, ये रोना धोना ख़त्म के पाकिस्तान के पास, हाँ जी ये पाकिस्तान को जो वो होता है ना कि हमारे पास विकेटें नहीं थी एंड में, हमें विकेटें भी बचानी थी, पीछे कोई बैट्समैन नहीं था, आपको क्यों विकेटें बचानी समझ नहीं आ रही? नसीम शाह हिटिंग कर सकते हैं, शाहीन अफरीदी हिटिंग कर सकते हैं, मोहम्मद आमिर टेस्ट मैच में 50 स्कोर कर चुके हैं, मोहम्मद आमिर हिटिंग कर सकते हैं यानी साथ दे सकते हैं, हारिस रूफ भी चौके मार सकते हैं, आपको किससे उम्मीद नहीं थी कि आप अगर आउट हो गए तो टीम का जो है वो बेड़ा पार नहीं लग सकता, आप ही अकेले हैं जो बेड़ा पार लगा सकते हैं, मुझे समझ नहीं आई दोनों को हुआ क्या? यार मैं समझता हूँ कि इमाद वसीम का यहाँ पर कोई कसूर नहीं था क्योंकि वो अनफिट थे, अब किसके प्रेशर पे उनको कल मैच खेलना पड़ा है या उनकी अपनी अगर ये विश थी खेलूँ, तो अगर उनकी विश थी तो हम कह सकते हैं कि उनकी साइड से ये है कि नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन ये कि अगर दूसरों की तरफ से जैसे फैंस का भी प्रेशर था कि इमाद वसीम का होना ज़रूरी है इस मैच में, तो उस अगर प्रेशर में आए तो इसमें मैं इमाद वसीम को तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि कसूरवार है, लेकिन जहाँ तक यार अगला बंदा अनफिट था, नहीं भाग पा रहा था, तो उसमें अगर बात करें अच्छा चले ये चीज़ है, आपका अपना एक पॉइंट है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि या तो खेलना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए था इमाद वसीम को, अगर खेले तो ये कि फिर कोशिश करनी चाहिए थी, वैसे सही कह रहे हैं। बहरहाल ये कि ज़्यादा जो कसूरवार है वो इफ्तिखार अहमद है, शादाब खान है, ये दो जो प्लेयर्स हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही है, बड़े मैच में बड़े प्लेयर्स चलते हैं, हमारे जो ये फ़ख्र जमान हैं इनसे हमने इतनी उम्मीदें लगा ली थी जब चैम्पियंस ट्रॉफी में इन्होंने सेंचुरी मारी थी और फाइनल जितवाया था हमें चैम्पियंस ट्रॉफी का, तो ये कि वहाँ से इनको काफ़ी एक्सपोजर मिला, और जब मतलब ये वैसे जाने भी बड़े मैचेस के लिए जाते हैं लेकिन अब इनके भी जो है ना चिरागों में रोशनी नहीं रही है, तो सारे चिराग गुल होते चले जा रहे हैं, तो नए चरागों को ही तो मौका नहीं दे रहे ना, यानी नए चरागों में से किसको मौका नहीं मिला, आजम खान को नहीं, आपके पास इरफान खान न्याजी हैं, हसीबुल्ला हैं, आपके पास साहबजादा फरहान हैं, कितने पीछे मौजूद हैं ना आपके पास डोमेस्टिक में प्लेयर्स हैं, लेकिन पीएसएल में नहीं है ना, हम पीएसएल से प्लेयर लेते हैं डोमेस्टिक से नहीं, ये तो गलत बात है ना, जब आपने इतना मतलब सिस्टम बनाया हुआ है, डोमेस्टिक है आपके जो ये नेशनल T20 कप मतलब होते रहते हैं, नेशनल कप और पता नहीं कौन कौन से कायदे आजम ट्रॉफी चलती रहती है, साकिब का दुख जो है ना वो आज बह रहा है। साकिब वैसे मिसाल गलत दे दी थी, चिराहों में रोशनी नहीं, मेरे ख्याल से ये मिसाल फिट होनी चाहिए थी कि इन तिलों में तेल अब बाकी है या नहीं है, और जो नए तिल हैं उनको हम इस्तेमाल नहीं करें जिनमें तेल है, मुझे लगता है इनका जो है ना पूरा आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है इस वक्त, तो इस सबको बदलने की ज़रूरत है, साकिब को लाइव ट्रांसमिशन में कंट्रोल करना लग रहा मुश्किल हो जाएगा, ये कुछ और ही ना बोल जाए साकिब, ताकि मेरे ख्याल से आज एक परफॉर्मेंस हो जाए और कुछ दुख बड़ा गाना जो है वो पाकिस्तानी टीम के लिए हो जाना चाहिए। मैं तो यही गाऊंगा यार,
दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, उम्मीद तोड़ा है किसी ने, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने, कहाँ पे लाके छोड़ा है ना साकी चप्पले खरीद लिए। ऐसी भी मोहब्बत की सजा देती है दुनिया, मर जाएं तो जीने की दुआ देती है दुनिया। हम कौन से मोमिन थे जो इल्ज़ाम न सहते, पत्थर को भगवान बना देती है दुनिया। करो ना किस्मत पर नाज इतना भी फकीरों, हाथों की लकीरों को मिटा देती है दुनिया। मरने पे करती है मजबूर तो लेकिन पाकिस्तानी टीम के लिए, मरने पे करती है मजबूर तो लेकिन जीने के तरीके भी सिखा देती है दुनिया। हम कौन से मोमिन थे जो इल्ज़ाम न सहते, पत्थर को भगवान बना देती है दुनिया। ऐसी भी मोहब्बत की सजा देती है दुनिया, मर जाएं तो जीने की दुआ देती है दुनिया। और बड़ी ही जीत का जोश, मुझे लग रहा है कि जोश ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन अभी वर्ल्ड कप बाकी है, बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ हमारे जोश नहीं जुड़े हुए। हम खेल को पसंद करते हैं और खेल को ही प्रमोट करते हैं, कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तानी टीम नहीं खेलेगी तो हम किसी और को देख लेंगे, हम खेल को देखेंगे यार, दूसरी टीम देख लेंगे हम हाँ और क्या, हम देखने के मोहताज नहीं है साकिब। अच्छा मतलब क्या देखना चाहते हो? हम जीत देखना चाहते थे यार, जीत का जोश में जीत देखना चाह रहे थे जनाब। ये है तला इनाम साहब, और क्या खूबसूरत अंदाज में इन्होंने शायरी पढ़ी, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज है इनका। ये अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर होते हैं हर बुध की शाम होस्ट विद घोस्ट में, और डराते हैं लोगों को, ललकारते हैं न जाने क्या क्या करते, धमकाते तो इनसे बच के रहिएगा जनाब लिस्टनर्स, अगर आप सुनते हैं इनको इंजेक्शन लगा के रखते हैं ताकि हम बचे रहें इनसे। तो जनाब बिल्कुल अब वक्त हमारा बिल्कुल एंडिंग की तरफ जा रहा है, यानी हमारी जो ट्रांसमिशन का टाइम है वो ख़त्म हुआ चला जा रहा है। आज की हद तक इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान टीम कल हारी है, शिकस्त हुई है पाकिस्तानी टीम को, तो हम भी थोड़े अफसरदा हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या बात करें, जब बात करते हैं तो सिवाय फ्रस्ट्रेशन के और कुछ भी नहीं फिर निकाल पाते, तो फ्रस्ट्रेशन निकलती है और उसमें फिर जाहिर है माइक पे बंदा क्या ही बोले। तो जनाब आप सबसे मुलाकात होती है कल मेरी साइड से, इतना ही बशर्ते सेहत और सलामती और ज़िंदगी, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। साकिब रज़ा साइनिंग आउट, अल्लाह हामिया नासिर, एहसन इकबाल। जी जनाब मेरी जानिब से भी जीत का जोश की पूरी टीम की जानिब से आप तमाम लोगों को इसी उम्मीद और जोश व खरोश के साथ कि आप वर्ल्ड कप को पसंद करेंगे, वर्ल्ड कप को एंजॉय करेंगे, ग्लोबल लेवल पर जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड सेट हो रहा है इसे देखेंगे और इसे एंजॉय करेंगे, अपने फेवरेट प्लेयर्स ढूंढेंगे, नई लोगों की नई इंस्पिरेशन बनेंगी, नई क्रिकेट फैंस बनेंगे, और नई जो क्रिकेट की दुनिया बसने जा रही है USA और अक्रॉस USA अक्रॉस यूरोप, क्रिकेट को नए फैंस मिल रहे हैं, नए ग्राउंड्स मिल रहे हैं, नए लोग मिल रहे हैं, ऑफकोर्स नए हीरोज मिलेंगे, तो आप तमाम लोग इसी मोटिवेशनल लेवल के साथ जो है वो इस पूरे इवेंट को, मेगा इवेंट को एंजॉय कीजिए। हम आपसे मिलते हैं कल नए मैचेस के साथ, नई परफॉर्मेंसेस के साथ, नई कारकर्दगी के साथ, नए कैरेक्टर्स के साथ, नए कॉलर्स, नए लिसनर्स के साथ। सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो, हम आपसे हैं, आप हमसे हैं, और डायरेक्टर की शक्ल देख देख के ना मेरे अल्फाज जबान पर नहीं चढ़ रहे। वाला जी मेरी जानिब से आप तमाम लोगों को अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।